बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, नहीं कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। तो अब हम जा रहे थे दुकान पे, मैंने कहा आपसे थोड़ी देर अच्छा बोले, हम दुकान की तरफ निकले। मैंने कहा पहले आपसे सलाम दुआ कर लें, फिर इंशाल्लाह चलते हैं और सब खैरियत आपको दे इंशाल्लाह। दुकान पे पहुंच गए, बिस्मिल्लाह। आज फिर नहीं स्लाइस स्कूल जा सका क्योंकि सप्लाई वाले आए हुए, तो भाई फोन आ गया कि जल्दी आए जी, दुकान के बाहर खड़े हो, इसलिए जल्दी दुकान पे आना पड़ा। चल बिस्मिल्लाह कर। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, मोती जैसे आज आप सुबह सुबह के तो फिर अच्छा जी, मेरे बताए जी, मैंने कहा सुबह सुबह बैठे पहले सलाम ना हो जाए, मैंने कहा आप देखे जी जमन ही बाय बाय जामन। क्या रेट भाई? 200 रुपए किलो फाइनल है, 200 रुपए किलो है। मक्खियाँ माशाल्लाह इतने प्यारा लग रहा है, चलो देसी है कि फार्मी है? फार्मी लग रहे मैंने, फार्मी है। अली भाई जामुन मेरे देखे, जामुन लेने आ गए, बड़े जबरदस्त है शुगर के लिए। शुगर के लिए बड़े अच्छे काले से जामुन रा काले भी देसी जामुन ले आओ, मैं थोड़ा सा मैंने कहा दिल कर बड़ा खा लो। ऐसा मारू ऐसा भी इसमें गर्मी लग रही बहुत ज्यादा, बहुत गर्मी। ये ऐसा है ये मेरे साथ होते हैं, मैं इनको इनको बुजुर्ग ऐसा चखो इसमें तो बाद मैं जामुन खिलाए को अपनी पुरानी यादें दादा हो गई। हम मुझे किस्सा सुना रहे हैं, किस्सा सुनते हैं, अरे आपने मुझे बचपन याद करा दी, मैं सुन रहे हूँ। भाई कैसे हो? ठीक हूँ। ठीक है दीदी, हाँ ठीक हूँ। कोमल का दर्द ठीक है? सही है। हम पहले से आया वापस भाग रहा है, अभी पकड़ी हुई है मैंने, मैं कहा हेलमेट लेते हैं, हेलमेट नया लिया तो पता नहीं किधर घूम गया। लाइट बंद करो। चलो मेरे पास बुजुर्ग है, इनकी आंखें देखे इतनी प्यारी, क्या करते हैं जी? माशाल्लाह करते हो मजदूरी? हाँ रक्षा चला रहे। अच्छा अल्लाह ताला से मेडिसिन लेने आए थे, मैंने कहा आंखों में लेंस लगाए हुए, नहीं जैनमन माशाल्लाह। आखिरी सप्लाई आ गई है, सुबह भी आई है माशाल्लाह, स्टॉक आया, सुबह से काम कर रहा हूँ और अब थक गया हूँ, टांगे दर्द हो रही है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझे भी ठीक देगा, आप भी दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला मेरे कारोबार में मदद करता है। पर मैंने कहा आपसे थोड़ी देर गपशप कर लूँ,
आप स्टाक जोड़ते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला सफाई करते हैं, सफाई की तरफ आ रहे हैं। मेरी आखिरी सप्लाई है, सुबह से सप्लाई घूमनी आखिरी, उसको हम जोड़ेंगे और इसके बाद फिर आपको आपके साथ फिर गपशप करते हैं। मन का आपको ये शेयर करूँगा, सुबह से काम फिर कर लो, इंशाल्लाह ताला ये भी खत्म हो गया। आप मेरे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला मुझे मजीद हिम्मत दे। अब सारा जोड़ लिया है, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, अब थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर उनके बाद सफाई करेंगे इंशाल्लाह। और ये थोड़े से टिफिन आ गए, इनको मैं धो ला, क्योंकि ये स्मेल छोड़ जाएंगे कि अंदर खाना आता है, तो ये पानी मार के धो ला था ताकि ये स्मेल ना छोड़े। मैंने कहा फिर सारा स्टॉक जोड़ लिया, और ये मैंने छोटी सी बात शेयर करनी थी, ये मैंने पौधे दुकान के अंदर रखे हुए थे, तो ये पता नहीं मुरझा आ गया गर्मी की वजह से, ये अंदर अभी भी हरे भरे हैं, तो बस थोड़ा दिन को पानी चेंज करते हैं। ये देखिए इनको मेरे पास डेढ़ से दो साल हो गए, ये पौधे किए हैं, एक दूसरा है वो तो ज्यादा ही खराब हो, इसको उतार के फेंक देते हैं। ये तो काफी गर्म करने की वजह से ये भी मुरझा आ गए, इतनी गर्मी ज्यादा है उसकी वजह से। मैंने कहा आपसे शेयर करूँ, ये भी ये मैंने तकरीबन डेढ़ दो साल हो गए, ये मैं इनको ही देखभाल कर रहा हूँ, ये कुछ दिनों से मैंने देखा नहीं तो ये मुरझा आ गए। फाइनली हो गया काम खत्म, अब टिफिन दो खिलाते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, फिर सफाई की तरफ जाते हैं। टिफिन भी धुल गए, अब इनको रख देते हैं उल्टा करके ताकि जो पानी है वो खुश्क हो जाए, फिर इनको बंद कर लें। मैं अब बड़ा थक गया हूँ, थोड़ा सा ब्रेस्ट, उसके बाद फिर काम चलना। सफाई का आगाज हो चुका है, सफाई करनी शुरू कर दी है मैंने, एक एक चीज उतार रहा हूँ, अब इंशाल्लाह ताला शेल्फ साफ करूंगा। और काफी ज्यादा बड़ी सफाई कर रहा हूँ, मतलब आप भी दुआ की, लेकिन सेहत मेरी ऐसे ही है, ज्यादा मुशक्कत भी नहीं होती, थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, अल्लाह ताला सेहत मुझी दे और हिम्मत दे, मैं खुद भी इंजाम दे सकूँ। दुकान काफी गंदी भी पड़ी है, तो मैं चला एक एक रैक करके साफ करूंगा, एक एक चीज उतारी है, एक एक चीज उतारी है, और दोबारा तो मैं इनको भी साफ करूंगा एक एक को, तो फिर इनको ऊपर जोड़ूंगा। बस यही मेरी जिंदगी और ये मेरी जिंदगी का सफर है, इंशाल्लाह मेहनत करते रहेंगे और करते रहेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे इंशाल्लाह। और आपने मेरे लिए दुआ करनी है। ये दो खाने मैंने अभी कर लिए हैं, तो अब ये नीचे वाले शुरू होंगे, देखें इतने प्यारे लगा, साफ सुथरे करके लगा दिए, मिट्टी डस्ट बहुत है इधर, रोड है मेन जिसकी वजह से डस्ट बहुत ज्यादा है। अब ये देखे नीचे ये आफ्टर है, इसके बाद मैं आपको बिफोर दिखाऊंगा कि मैंने किस तरह इसकी मेंटेनेंस की है। मैं अब मैंने कहा ये नीचे वाले रह करता हूँ, ये अब इनके बारे में करके फिर मैं आपको दोबारा दिखाऊंगा कैसा कैसी अच्छी सफाई है। देखिए व्यूअर, आज मैंने इस रैक की सफाई की है, तो मैं आता पौना घंटा ही तकरीबन हो गया मैं काम कर, अच्छी तरह उतार के एक एक चीज साफ की है, फिर ये रैक को मैंने सरफ लगाया और फिर पानी से साफ करके, तो फिर अब सारी चीजें डिस्प्ले की। मैंने कहा आपको बिफोर भी चेक कराऊंगा सर, ऊपर जामन भी है, मेरी आज नजर पड़ी है ऊपर जामन भी लगा हुआ, शायद मैं दिखाता हूँ आपको, ये तो जूम नहीं हो रहा, ये जामन लगे हुए नीचे भी गिरे हुए, नीचे गिरे हुए जामन, मेरी नजर नहीं पड़ी इन पे, तो मैं ये दाग आपको उतार के देता हूँ।
ਹਾਜ਼ਰ ਬਣੀ ਬਸ ਫਿਰ ਬਸ ਬਣਿਆ ਝੜ ਰਹੇ ਚਲੇ ਇਤਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਲੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਪੱਤੇ ਗਿਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪੱਤੇ ਡੱਟ ਰਹੇ ਔਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਲਈ ਜੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਮਸਰੂਫ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪਲਾਈਆਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਕਾਉਂਟਰ ਮੈਂ ਤਰਦੀਬ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਰੱਖਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਖਾ ਕੇ ਜਿਹਦਾ ਮਾਇੰਡ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਸਰ ਦੁਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾ ਲਈ ਜਾਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਆਪਣੀ ਅਭੀ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨਾ ਕਭੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੋ ਘਰ ਕੇ ਪਾਸ ਨਾ ਕਭੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋ ਕੇ ਪਾਸ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸੇ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਔਰ ਅਭੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹਿੰਮਤ ਤੋਫੀਕ ਦੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਤੇ ਰਹੇਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਬ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੂੰ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਖਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ਰਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਪੌਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਜਾਣੇ ਆਨੇ ਕਾ ਕਈ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇਹੀ ਕਿ 10-15 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰਾ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਹਵਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਸੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੂੰ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤਨੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰਾ ਭਰਾ ਹੋ ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੰਨੋ ਹੈ ਕਿ ਖੱਟੀਆਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਲੋਕ ਕੋ ਪਤਾ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਮਗਰਬ ਕੀ ਨਵਾਂ ਅਜ਼ਾਨ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਮੈਂ ਅਬ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੈਸਟ ਕੀਆ ਅਬ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹਵਾ ਖਾਣੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਆ ਕਿੰਨੋ ਹੈ ਖੱਟੀਆਂ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਆਪ ਸਭ ਆਪ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪ ਸੇ ਮੁਹਾਤਬ ਨਹੀਂ ਹੁਆ ਇਤਨਾ ਕਾਮ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰ ਔਰ ਆਪ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਪ ਸਭ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਗੇ ਔਰ ਖੈਰੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਹੋਗੇ ਮੈਂ ਹਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਸੇ ਹਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੇ ਔਰ ਵੀ ਲੋਕ ਕਾ ਵੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਬੜਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਤਲਬ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਬੜਾ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੌਦੇ ਲਗਾ ਮੈਂ ਔਰ ਸਾਰੋ ਪੇ ਫਲ ਲਗਾ ਹੁਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਔਰ ਅਬ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪ ਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੇਰੇ ਬਲੋਗ ਐਸੇ ਹੀ ਟੂਟੇ ਫੂਟੇ ਸੀ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹ ਬਣ ਗਈ ਬਣ ਗਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਦੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਆਪ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੂੰ ਚਲ ਮੈਂ ਚਲੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਰਹਾ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਵੀ ਦੇਖਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੌਦੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਆਜ ਕੇ ਲਈ ਵਿਊਵਰ ਇਤਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀਏਗਾ
दुआओं में याद रखिएगा और मुझे लाइक और फॉलो जरूर करें ताकि मेरा हौसला मजीद बढ़े, और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। आपके लिए मैं हमेशा दुआ करूँ। अल्लाह हाफिज़।